हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? टुडे वी विल सॉल्व इंग्लिश क्लास फिफ्थ समर वेकेशंस होमवर्क। हेलो बच्चों, आप कैसे हो? आज हम कक्षा पाँच इंग्लिश का समर वेकेशन होमवर्क सॉल्व करेंगे। तो चलिए समर वेकेशन होमवर्क सॉल्व करते हैं। रीडिंग एंड राइटिंग, पढ़ना और लिखना। रीड अलाउड एनी बुक, योर ऑल टेक्स्ट बुक, मैगजीन एक्सेट्रा अवेलेबल। आपको कोई भी बुक, आपकी पुरानी बुक या कोई भी मैगजीन पढ़नी है। उसके बाद राइट डाउन द वर्ड स्टार्टिंग विद द फॉलोइंग लेटर्स, नीचे दिए गए लेटर्स से स्टार्ट होने वाले वर्ड्स को लिखना है। जैसे कि ए, ए में दिया गया है एस एंड वी, तो आप जो बुक पढ़ेंगे उसमें एस एंड वी से स्टार्ट होने वाले वर्ड्स को लिखेंगे। एस से कौन कौन से शब्द, जैसे एस से होता है संडे, सुनील, आप देखेंगे संडे एस से स्टार्ट हुआ, सुनील एस से स्टार्ट हुआ। इसी तरह से आप वी से स्टार्ट होने वाले वर्ड्स लिखेंगे, जैसे विक्टर, वायलेट, विक्टर में और वायलेट में भी फर्स्ट लेटर कौन सा है, वी। बी करेंगे द फर्स्ट लेटर ऑफ योर नेम, आपके नाम का जो भी फर्स्ट लेटर है उससे स्टार्ट होने वाले वर्ड्स को लिखेंगे। मान लीजिए आपका नाम रोहित है, तो रोहित में फर्स्ट लेटर कौन सा है, आर, तो आर से स्टार्ट होने वाले वर्ड्स भी लिखेंगे। सी करेंगे द थर्ड लेटर ऑफ योर फेवरेट फ्रूट, आपका जो भी मनपसंद फ्रूट है उसका जो थर्ड लेटर होगा उससे स्टार्ट होने वाले वर्ड्स लिखेंगे। मान लीजिए आपका फेवरेट फ्रूट है बनाना, अब बनाना में बी ए एन ए एन ए, बनाना। अब यहाँ पर बी फर्स्ट लेटर हो गया, ए सेकंड लेटर हो गया और एन थर्ड लेटर हो गया, तो एन से स्टार्ट होने वाले वर्ड्स यहाँ लिखेंगे। तो आपको किस तरह से करना है, पहले एस एंड वी से स्टार्ट होने वाले वर्ड्स, फिर आपके नाम के फर्स्ट लेटर से स्टार्ट होने वाले वर्ड्स और फिर आपके फेवरेट फ्रूट के थर्ड लेटर से स्टार्ट होने वाले वर्ड्स लिखने हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। 24 अप्रैल 2021, 24 अप्रैल 2021 सैटरडे को आप जो होमवर्क करेंगे उसमें फ्रेम द करेक्ट सेंटेंसेस, कलर द पिक्चर्स टू। आपको यहाँ एक पिक्चर दी गई है, उसको कलर करना है और उसके आगे कुछ वर्ड्स दिए गए हैं जिनसे एक सही सेंटेंस को बनाना है। फर्स्ट आपके लिए किया गया है, पिक्चर में एक कार है, आगे जो वर्ड्स दिए गए हैं उनसे करेक्ट सेंटेंस बनाया है, द कार इज़ रेड। तो आपको कौन सा कलर करना है, कार में रेड कलर करना है। बी करेंगे, यहाँ एक पिक्चर दी गई है, आगे जो वर्ड्स दिए गए हैं इन वर्ड्स से करेक्ट सेंटेंस बनाएंगे, तो सेंटेंस बनेगा द काइट फ्लाइज हाई और इस काइट में कलर करेंगे। सी, कैट दी हुई है, द कैट इज़ फैट, कैट कैसी है, फैट है, मोटी है, तो इस कैट में भी आप कलर करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। 24 अप्रैल को फूड थीम बैक टू नेचर, इसमें आप क्या खाएंगे, वाटरी फ्रूट्स लाइक वाटर मेलन, मस्क मेलन, तो आपको ऐसे फल खाने हैं जिनमें अधिक मात्रा में पानी होता है, जैसे वाटरमेलन, मस्क मेलन एक्सेट्रा। ड्रिंक, आपको क्या पीना है, एनी फ्रूट जूस, किसी भी फल का रस पीना है। फैमिली फन टाइम, इसमें आप गेम करेंगे, आस्क रिडल्स, प्ले विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स, आप फैमिली के साथ समय बिताएंगे, रिडल्स पूछेंगे, पहेलियाँ पूछेंगे और अपनी फैमिली के साथ कोई भी खेल खेलेंगे। एक्टिविटी, कलेक्ट एनी 5 पिक्चर्स ऑफ रॉ फूड आइटम्स, आपको कोई भी 5 पिक्चर्स इकट्ठी करनी है रॉ फूड आइटम्स की, जो कच्चे फूड आइटम्स हैं उनकी 5 पिक्चर्स आपको कलेक्ट करनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1 मई 2021, 1 मई 2021 सैटरडे को आप जो होमवर्क करेंगे उसमें मेक 6 वर्ड्स फ्रॉम द गिवन वर्ड्स, यहाँ पर एक वर्ड दिया गया है
आपको इस वर्ड में से एनी सिक्स वर्ड्स लिखने हैं। अब आप देख सकते हैं ए में यहाँ हिप्पोपोटामस लिखा है, इससे आपको सिक्स वर्ड्स बनाने हैं। तो इससे बहुत सारे वर्ड्स बन सकते हैं बच्चों, जैसे पॉट, हॉट, स्टॉप, टॉप, मस्ट, मैट, स्टैम्प, हैट, पास्ट। मैंने यहाँ पर काफ़ी सारे वर्ड्स लिख दिए हैं, आप इन वर्ड्स के अलावा भी अन्य वर्ड्स बना सकते हैं। बी में लिखा है सनफ्लावर, सनफ्लावर से हमें सिक्स वर्ड्स बनाने हैं, तो कौन कौन से बन सकते हैं? सन एक वर्ड बन गया, फ्लावर दूसरा वर्ड बन गया, लोअर थर्ड वर्ड बन गया, फ्लो, फन, रन, वन, वन होता है विन, वन वन विन की सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, यूज़र, फ्यूज एक्सेट्रा। तो यहाँ पर सनफ्लावर से जो वर्ड्स बनाए जा सकते हैं वो मैंने यहाँ लिख दिए हैं, आप भी इन वर्ड्स के अलावा अन्य वर्ड्स बना सकते हैं। और फर्स्ट में को आपको जो खाना है, ईट रॉ फूड लाइक खीरा ककड़ी, आपको कच्ची खाद्य पदार्थ खाने हैं, जैसे खीरा ककड़ी टमाटर आप खा सकते हैं। और ड्रिंक में नींबू पानी शिकंजी, आपको शिकंजी पीनी है उस दिन। फैमिली फन टाइम गेम वर्ड अंताक्षरी प्ले विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स, तो फैमिली के साथ समय कैसे बिताएंगे? अंताक्षरी शब्दों की अंताक्षरी खेलेंगे और अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करेंगे। एक्टिविटी ड्रॉ अ वर्ड ट्रेन ऑफ 100 वर्ड्स, आपको 100 वर्ड्स की एक वर्ड ट्रेन बनानी है, तो यह कार्य आप स्वयं करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। 10th May 2021, 10 मई 2021 को आप जो होमवर्क सॉल्व करेंगे उसमें राइट द वर्ड्स इन द करेक्ट कॉलम, आपको सही कॉलम में सही वर्ड्स को लिखना है। यहाँ पर कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, कैट्स, गर्ल्स, डेस्क, शू, स्पून्स, बैग, रोप, पेंसिल्स, पेपर, कीज। अब आप इन वर्ड्स को पढ़कर समझ गए होंगे कुछ वर्ड्स सिंगुलर हैं और कुछ प्लूरल हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और कॉलम में इन्हें लिखते हैं। अब पिक्चर को देखकर आप समझ ही गए होंगे, एक तरफ एक लड़का है और दूसरी तरफ एक लड़का और एक लड़की है। जहाँ पर एक लड़का है वहाँ पर सिंगुलर वर्ड्स, तो इस कॉलम में हमें सिंगुलर वर्ड्स लिखने हैं। हिंदी में इन्हें एक वचन कहते हैं। और दूसरी तरफ जहाँ एक लड़की और लड़का है वहाँ हमें प्लूरल वर्ड्स लिखने हैं, प्लूरल वर्ड्स को बहुवचन शब्द कहते हैं। तो कौन कौन से सिंगुलर वर्ड्स हैं? बैग, रोप, डेस्क, शू, पेपर, ये सभी सिंगुलर वर्ड्स हैं। और प्लूरल वर्ड्स में लिखेंगे कैट्स, गर्ल्स, पेंसिल्स, स्पून्स, कीज, तो ये सभी प्लूरल वर्ड्स हैं। आपको मालूम ही है एस या ई एस लगाकर हम प्लूरल वर्ड्स बनाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। 10th May को ही आप जो खाना खाएंगे उसमें ईट वेजिटेबल खिचड़ी पोहा उपमा, तो आपको सब्जियों वाली खिचड़ी या पोहा या उपमा खाना है। ड्रिंक छाछ लस्सी, छाछ या लस्सी आप पियेंगे। फैमिली फन टाइम गेम चटाई ऑफ कार्ड्स, कार्ड्स होते हैं ताश। प्ले विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स। एक्टिविटी सर्च हजार्ड्स ऑफ हैविंग टोबैको एंड शेयर इट विद फैमिली, तो आपको एक्टिविटी में क्या करना है? जो टोबैको से होने वाले नुकसान हैं उनका पता लगाना है और अपनी फैमिली को शेयर करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 18th May 2021, 18 मई 2021 ट्यूसडे को आप जो होमवर्क सॉल्व करेंगे उसमें ड्रॉ द अपोजिट्स, आपको अपोजिट्स ड्रॉ करने हैं। फर्स्ट वन इज़ डन फॉर यू, पहला आपके लिए किया गया है। हैप्पी पिक्चर ड्रॉ की गई है, सैड तो सैड के लिए भी स्माइलीज पिक्चर बनाई गई है। अब सेकंड में डे, डे होता है दिन, तो यहाँ दिन की पिक्चर बनानी है।
नाइट, यहाँ रात की पिक्चर बनानी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है एम्प्टी। एम्प्टी का अपोजिट होता है फुल। एम्प्टी मतलब खाली और फुल मतलब भरा हुआ। टॉल, टॉल का अपोजिट होता है शॉर्ट। टॉल लंबा, शॉर्ट छोटा। बिग, बिग का अपोजिट होता है स्मॉल। बिग का मीनिंग बड़ा, स्मॉल का मीनिंग छोटा। हॉट, हॉट का अपोजिट होता है कोल्ड। हॉट गर्म और कोल्ड ठंडा। तो यहाँ पर आपको पिक्चर्स ड्रॉ करनी है। आपकी सुविधा के लिए मैंने यहाँ पर कुछ पिक्चर्स लगा दी हैं, जिन्हें देखकर आप आसानी से पिक्चर ड्रॉ कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। 18 मई को ही आप ईट, क्या खाना है, फ्रूट सैलेड, आपको फलों की सलाद खानी है। ड्रिंक ठंडाई फ्लेवर्ड मिल्क, आपको ठंडाई या फ्लेवर्ड मिल्क पीना है। फैमिली फ़न टाइम, फैमिली के साथ कैसे फ़न टाइम बिताएंगे। गेम हु एम आई, मैं कौन हूँ। आइडेंटिटी थिंग्स बाय टच टेस्ट स्मेल एंड हियर, आप आँख पे पट्टी बांधेंगे, चीज़ों को टच करेंगे, टेस्ट करेंगे, स्मेल करेंगे और सुनेंगे और पहचानेंगे कि वह क्या है। प्ले विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स, ये सब खेल आपको अपनी फैमिली के साथ खेलने हैं। एक्टिविटी, तो यहाँ पर एक्टिविटी दी गई है, सो द सीड्स ऑफ फ्रूट सैलेड इन बैरन लैंड और नियर बाय होम एंड टेक केयर ऑफ देम, आपको फ्रूट सैलेड के जो बीज हैं उनको किसी भी बंजर भूमि या अपने घर के आसपास बोना है और उसका ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 25 मई 2021, 25 मई 2021 ट्यूसडे को आप जो होमवर्क सॉल्व करेंगे उसमें हु एम आई आपको पहचानना है सेंटेंस को पढ़कर कि किसके बारे में कहा गया है। ए आपके लिए किया गया है आई कैन वॉक, आई कैन स्विम, आई लिव इन द पॉन्ड, मैं चल सकती हूँ, मैं तैर सकती हूँ। आई लिव इन द पॉन्ड, मैं तालाब में रहती हूँ। सामने पिक्चर भी दी गई है और आंसर लिखा है आई एम अ डक। इसी तरह से आपको सेंटेंसेस को पढ़ना है और पहचानना है पिक्चर को देखकर और यहाँ सेंटेंस को लिखना है। बी आई एम अ फ्रूट, आई एम ऑल्सो अ कलर, आप देख सकते हैं पिक्चर, इसमें कहा गया है कि मैं एक फ्रूट हूँ और मैं एक कलर भी हूँ। तो यहाँ हम लिखेंगे आई एम एन ऑरेंज, मैं एक ऑरेंज हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। सी आई एम कोल्ड एंड स्वीट, आई एम ईटन स्पेशली इन समर्स, मैं ठंडा और मीठा हूँ और मैं समर्स में ही, गर्मियों में ही खाया जाता हूँ। तो यहाँ लिखेंगे आई एम एन आइसक्रीम, क्या लिखेंगे, आई एम एन आइसक्रीम, पिक्चर में भी आइसक्रीम दी गई है ना, वेरी गुड। चलिए 25 मई को ही आपको स्टीम्ड राइस और वेजीज, जो स्टीम्ड राइस होते हैं उबले हुए चावल सब्जी के साथ खाने हैं, और क्या पीना है, मैंगो बनाना शेक, मैंगो या बनाना शेक पीना है। अपनी फैमिली के साथ क्या गेम खेलेंगे, मिमिक्री ऑफ एनिमल एंड बर्ड्स, तो आपको एनिमल्स एंड बर्ड्स, जानवरों और पक्षियों की मिमिक्री करनी है, नकल उतारनी है। एक्टिविटी दी गई है ट्रेस द हैंड प्रिंट्स ऑफ फैमिली मेंबर्स इन योर रफ नोटबुक एंड ऑब्जर्व द डिफरेंस केयरफुली, आपको अपने फैमिली मेंबर्स के जो हैंड प्रिंट्स हैं उनको ट्रेस करना है और उसके बाद अंतर को ऑब्जर्व करना है कि उनमें क्या अंतर है। जैसे छोटे बच्चों के छोटे हैंड प्रिंट्स होंगे और बड़े लोगों के बड़े हैंड प्रिंट्स होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। 2 जून 2021 वेनसडे, 2 जून 2021 बुधवार को आप जो होमवर्क करेंगे उसमें कंप्लीट द राइमिंग वर्ड ट्रेन, तो यहाँ पर आपको राइमिंग वर्ड ट्रेन को कंप्लीट करना है। राइमिंग वर्ड्स मालूम है ना बच्चों, एक जैसे आवाज़ वाले शब्द, जैसे यहाँ एग्जांपल दिया गया है कैट रैट मैट सैट, तो ये राइमिंग वर्ड्स हैं, ट्रेन को पूरा किया गया है। चलिए अब हम भी नीचे राइमिंग वर्ड्स वाली ट्रेन को देखते हैं और पूरा करते हैं। अब यहाँ पर वर्ड दिया गया है सिट, नेक्स्ट वर्ड लिख सकते हैं फिट हिट बिट,
तो इस तरह से आप इस ट्रेन को पूरा कर सकते हैं। नेक्स्ट है फैन, इसके आगे लिख सकते हैं वैन, मैन, कैन एक्सेट्रा। आप इस ट्रेन को जितना मर्जी लंबा कर सकते हैं वर्ड्स लिख करके। चलिए आगे बढ़ते हैं। 2 जून को ही आप वेजिटेबल सैंडविच खाएंगे, दूध पिएंगे, फैमिली फन टाइम में खेल खेलेंगे, पुट बिंदीज ऑन एनी पोस्टर एंड पिक्चर फोटो एंड ड्रॉ अ पैटर्न एज पर योर चॉइस। आप किसी भी पोस्टर पर, पिक्चर पर या फोटो पर छोटी बिंदी लगाएंगे और अपने पसंद का पैटर्न बनाएंगे। तो यह आपको अपने फैमिली के साथ खेलना है। एक्टिविटीज़ इन इवनिंग, गो टू द टेरेस एंड ऑब्जर्व द स्काई, इट्स कलर, थिंग्स, पैटर्न ऑफ क्लाउड्स एक्सेट्रा। आपको शाम के वक्त छत पर जाना है और स्काई को ऑब्जर्व करना है, आकाश को ध्यान से देखना है। जब आकाश में आप देखेंगे तो उसका रंग, चीज़ें, क्या आकाश में आपको क्या क्या दिखाई दिया, पैटर्न, किस तरह के पैटर्न बने हुए हैं क्लाउड्स के, तो आपको ये सब ऑब्जर्व करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 9 जून 2021 वेनसडे, 9 जून 2021 बुधवार को आप जो होमवर्क सॉल्व करेंगे उसमें लेट्स अरेंज द फॉलोइंग स्टार्स इन द अल्फाबेटिकल ऑर्डर। तो यहाँ पर कुछ स्टार्स दिए गए हैं और उनके अंदर वर्ड्स लिखे हुए हैं, आपको इन्हें अल्फाबेटिकल ऑर्डर्स में अरेंज करना है। तो देख सकते हैं यहाँ पर, तो सबसे पहले कौन सा स्टार आएगा, एंट, जिसमें एंट लिखा है, कौन सा है, ये वाला। उसके बाद आएगा कार, यहाँ कार लिखा है, ये वाला। तो हम इन पर नंबर भी लिख सकते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पर आएगा फ्रॉग, फोर्थ पर गॉट, फिफ्थ पर लॉक, सिक्स्थ पर आएगा पैन, सेवन्थ पर सन, एट्थ पर वैन और नाइन्थ पर आएगा याक। तो इस तरह से हम इन पर नंबर भी लिख सकते हैं और इन्हें अरेंज कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। 9 जून को ही ईट रॉ टमाटो अनियन इन योर मील। आपको अपने खाने के साथ कच्चा टमाटर या प्याज खानी है, ड्रिंक जलजीरा, जलजीरा पीना है, फैमिली फन टाइम गेम तोता उड़ मैना उड़। आपको अपने परिवार के साथ गेम खेलना है तोता उड़ मैना उड़। एक्टिविटी पुट वाटर एंड फूड फॉर बर्ड्स ऑन टेरेस एंड क्लीन द यूटेंसिल्स डेली। आपको पक्षियों के लिए दाना और पानी छत पर रखना है और उन बर्तनों को डेली साफ भी करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक्टिविटीज़ टू बी डन डेली, एक्टिविटीज़ जो रोज़ाना की जानी है। अब यहाँ लिखा है आर पेरेंट्स डू अ लॉट ऑफ थिंग फॉर अस, हमारे पेरेंट्स हमारे लिए बहुत सारी चीज़ें करते हैं। टू शो आर ग्रेटिट्यूड टूवर्ड्स दैम, यू कैन प्रिपेयर अ हेल्दी मील फॉर दैम। तो हमें उनको आभार देते हुए उनके लिए हेल्दी मील तैयार करना है। तो आप उनको आभार या धन्यवाद देने के लिए हेल्दी मील तैयार कर सकते हैं। लेट्स प्रिपेयर अ ककुम्बर सैंडविच फॉर दैम, चलिए उनके लिए ककुम्बर सैंडविच तैयार करते हैं। अब यहाँ पर नीचे ककुम्बर सैंडविच के लिए रेसिपी दी गई है, चलिए इस रेसिपी को पढ़ते हैं। तो ककुम्बर सैंडविच को रेडी करने के लिए रेसिपी दी गई है, टेक 4 slices ऑफ ब्रेड, ब्रेड के 4 slices लेने हैं, अप्लाई बटर ऑन इट एंड प्लेस 6 to 8 slices ऑफ ककुम्बर। आपको उन पर बटर लगाना है और 6 से 8 slices ककुम्बर के लेने हैं, जैसे कि यहाँ पिक्चर में दिखाया गया है। स्प्रिंकल सॉल्ट एंड क्रस्ड ब्लैक पेपर, यहाँ पर आपको नमक और काली मिर्च क्रश करके छिड़कना है। द यमी सैंडविच इज रेडी, सर्व दिस हेल्दी ब्रेकफास्ट टू योर पेरेंट्स विद लॉट्स ऑफ लव। स्वादिष्ट सैंडविच तैयार है, अब आप इसे ब्रेकफास्ट में अपने प्यार के साथ अपने पेरेंट्स को सर्व कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ग्रो एनी स्पाइस मेडिसिनल प्लांट इन अ पॉट एंड नर्चर इट। आपको कोई भी
मसाला या मेडिसिनल प्लांट किसी मटके में या किसी पॉट में उगाना है और उसकी देखभाल करनी है। ऑल्सो ट्राई टू फाइंड आउट इट्स हेल्थ बेनिफिट एंड यूजेस, आपको उसके हेल्थ बेनिफिट्स के बारे में भी लिखना है। क्लिक द फोटोज़ ऑफ द ग्रोइंग प्लांट, और उस प्लांट्स को उगते हुए बढ़ते हुए आपको उसकी फ़ोटो खींचनी है। तो आप क्या करेंगे, जो प्लांट्स में डेली चेंजेस होंगे उसकी फ़ोटो खींचेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। रीड एंड लर्न द पोएम, दी गई पोएम को पढ़िए और याद कीजिए। इट टेल्स अस दैट ऑल लिविंग बींग्स फील थर्स्टी एंड हंग्री, सो वी मस्ट बी केयरिंग टूवर्ड्स दैम। ये हमें बताती है कि प्रत्येक लिविंग बींग्स, हर जिंदा चीज़ को प्यास और भूख लगती है, तो इसलिए हमें उनका ध्यान रखना चाहिए। चलिए तो पोएम पढ़ते हैं। फीड द बर्ड्स, पक्षियों को खाना खिलाना। In the month of May and June, the days are really very hot. मई और जून के महीने में जो दिन होते हैं वो बहुत गर्म होते हैं। Let's pour some water for the birds in a bowl or a wide pot. आओ पक्षियों के लिए किसी कटोरी या चौड़े मुँह वाले पॉट में कुछ पानी रखते हैं। Let's put some grains too, so they can come and eat. चलो उनके लिए कुछ दाना भी रखते हैं जिससे कि वो आकर उन्हें खा सकें। वी शुड बी काइंड टू बर्ड्स विद लव वी मस्ट ग्रीट, हमें पक्षियों का स्वागत करना चाहिए और उनके प्रति प्यार व दया दिखानी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ लिखा है, योगा इज़ अ वे ऑफ लाइफ दैट हेल्प्स इन मेकिंग अ पर्सन फिजिकली फिट मेंटली अलर्ट। योगा जीवन जीने की एक ऐसी शैली है जिसके द्वारा एक व्यक्ति फिजिकली फिट और मेंटली अलर्ट रहता है। इट बैलेंसेज योर बॉडी सोल एंड माइंड, यह आपकी बॉडी शरीर सोल आत्मा और माइंड दिमाग का संतुलन बनाए रखता है। Let's learn the steps of sun salutation. आओ सूर्य नमस्कार के कुछ steps सीखते हैं। Sun salutation को कहते हैं सूर्य नमस्कार। It has 12 steps and first and 12th steps are the same. इसमें 12 steps होते हैं, पहला और 12वां step जो है same होता है। Try doing this daily early in the morning. इसे आप सुबह रोजाना करने की कोशिश कीजिएगा। टेक हेल्प ऑफ द गिवन पिक्चर टू डू द सूर्य नमस्कार स्टेप बाय स्टेप, नीचे दिए गए चित्र की आप सहायता ले सकते हैं सूर्य नमस्कार को करने में। तो चलिए नीचे दिए गए चित्र को देखते हैं। तो बच्चों यहाँ पर आप देख सकते हैं सन सैल्यूटेशन, सूर्य नमस्कार के 12 steps, पहला स्टेप और 12 steps जो है सेम है। सेकेंड स्टेप इस तरह से सीधा खड़ा होना है, थर्ड स्टेप में झुकना है, फोर्थ स्टेप में राइट लेग को पीछे ले जाना है, फिफ्थ स्टेप में लेफ्ट लेग को भी पीछे ले जाना है और बॉडी को इस तरह से उठाना है। सिक्स स्टेप में आप आगे की तरफ पुश होंगे, सेवन्थ स्टेप में आप नेक को ऊपर उठाएंगे, एट्थ स्टेप में वापस जाएंगे जैसे फिफ्थ स्टेप में पोजिशन है वैसे ही, नाइन्थ स्टेप में आप लेफ्ट लेग को आगे लेंगे, फोर्थ और नाइन्थ सेम हो जाएगा, जैसी पोजीशन फोर्थ में है वैसी पोजीशन आ जाएगी। टेंथ स्टेप में आप राइट लेग को भी आगे लेंगे और
सर नीचे और बॉडी को ऊपर, जैसे कि थर्ड स्टेप में दिखाया गया है। इलेवेंथ स्टेप में आप हाथ धीरे धीरे ऊपर उठेंगे और बॉडी को ऊपर ले जाएंगे, जैसा सेकंड स्टेप में दिया गया है। तो बच्चों आप देख सकते हैं यहाँ पर सूर्य नमस्कार, सन सैल्यूटेशन के 12 स्टेप्स दिए गए हैं। फर्स्ट और 12th स्टेप सेम होते हैं, बाकी स्टेप्स आप देखेंगे सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ, एट्थ, नाइन्थ, टेंथ, इलेवेंथ। इसी तरह से आप डेली इन स्टेप्स को देखते हुए प्रैक्टिस करेंगे सूर्य नमस्कार की। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रोजेक्ट वर्क, प्रिपेयर कोलाज ऑफ थिंग्स यू लाइक बाय यूजिंग वेस्ट मटेरियल एज पर योर चॉइस बाय ड्राइंग और पेस्टिंग पिक्चर। आपको वेस्ट मटेरियल का प्रयोग करते हुए अपनी पसंद की चीज़ों का कोलाज बनाना है। आप ड्राइंग करके या उनको चिपका कर कोलाज बना सकते हैं। तो बच्चों यहाँ आपका इंग्लिश का समर वेकेशन होमवर्क कम्प्लीट होता है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। अन्य विषयों पर बने हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और देखते रहिए हमारा चैनल नॉलेज किंगडम। थैंक यू।